65 वर्षों में हमने इतना कुछ पाया नहीं जितना खो दिया। अंधेरे में दिखता न था लेकिन आंखें तो थी। अंधेरे में दिखता न था लेकिन आंखें तो थी। ये कैसी रोशनी आई कि लोग अंधे हो गए। पांच कहां पर है? अरे उसको मत उठाना, उसमें बम था। किसका ये बैग? कोई जवाब मैं बताता हूं। मेरे सर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी और आंखों में सुरमा, खटक रहा था आपको, खटक रहा था, कोई बात नहीं करना चाहता था मुझे। हर मुसलमान का ताल्लुक आतंकवादी से क्यों करते हो? क्यों करते हो? एक बात कहो, हमारा देश आज भी भारत नहीं सिर्फ हिंदुस्तान है।
मजहब की, हमें अपने मजहब की टोपी तक पहनने की आजादी नहीं है, टोपी तक पहनने की आजादी नहीं। बहाते खून की नदियां कहीं मजहब के लिए, उजाड़ते अपना ही वतन अपने ही मतलब के लिए। आज ये आग ना थमी तो कल को तरसेंगे, ये वो शोले हैं जो हम आप सब पर बरसेंगे। आज आजाद है तो ये सोचना है हमें, फिर ना बन जाए गुलाम नफरत के, फिर ना पड़ जाए पाँव में जंजीर अपने, फिर ना बन जाए वैशियत के शिकार। आज आजाद है हम तो ये सोचना है हमें, यही सोचना है। लेकिन आज भी हमारे देश के 50% किसान
गरीबी रेखा के नीचे है। अरे गरीबी रेखा के नीचे है तो रहने दो, ये देश तुम जैसे किसान के वजह से हम कैसे अमीरों के मुल्क चलता है। तू देख, तू देखता जा मेरे सपनों की सेठ, जो बनेगी तेरी माँ की सेठ। क्या किसान भाषा
सोने की चिड़िया बेच दी, बेचो में क्या ईमान भी, आजाद मैं आजाद तू, इस ख्वाब को अब छोड़ दे, या डर के साए से निकल, जिसमें जी रहा आज तू, उठ जा और सबको उठा, तू है प्रबल सबको बता, मैं साथ हूँ तू साथ है, और साथ है विश्वास भी, और साथ है विश्वास भी, और साथ है विश्वास भी। सफर के लिए यह मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, यह मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, आवाज में। देश के कुछ कुछ में, जिस देश के कुछ कुछ में इंसान आवारा फिरता हो, जिस देश के कुछ कुछ में इंसान आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो, जो धरती भूख उगलती हो, जहाँ दुख फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी सड़कों पे पाले जाते हो, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जंजीर में डाले जाते हो, जहाँ मजलूमों के खून से महल अपने धोए जाते हो, उस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख समर्पित सहती है और अपने देश के लोगों को जश्न आजादी मुबारक कहती है, जश्न आजादी मुबारक। यही है हमारी आजादी? हम आजाद तो है लेकिन महफूज नहीं। हमारा भारत देश आजाद है लेकिन इस देश के भारतीय आजाद नहीं। कई भेदभाव, कई गरीबी तो कई लाचारी, हर तरफ से हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यहाँ खड़ा हर एक शख्स अपने आप से जूझ रहा है। क्या कोई मुझे जवाब दे पाएगा इसका कारण क्या है? अरे तो बड़ा आसान है, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारा सिस्टम, हमारी सरकार। अरे नहीं मेरे दोस्त, केवल हमारा सिस्टम और सरकार इसकी दोषी कहा, इसमें हम भी बराबर के जिम्मेदार हैं। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन है भाई साहब, सोल्यूशन है। ये देश हम है, ये देश हमारा है, ये यहाँ की जनता हम है, तो यहाँ के नेता भी हमें ही होना है, यहाँ के वोट हम है, तो इन्हें देना भी हमें ही होगा, ये सवाल हम है, तो जवाब भी हमें ही बनना होगा। जानती हूँ गलती हमारी है, और ये भी जानती हूँ इस गलती को सुधारना भी हमें ही होगा, पर समय अब सोचने का नहीं है, समय यहाँ बैठ के ये नाटक देखने का नहीं है, समय है एक अटूट विश्वास के साथ एक आजाद और बेहतर भारत बनाने का। जानती हूँ कि एक इंसान से कुछ नहीं होगा, ये भी जानती हूँ कि एक दिन में भी कुछ नहीं होगा, पर अगर आप और मैं मिल जाए तो ये भारत सदा के लिए आजाद होगा। तो बोलो क्या आप दोगे हमारा साथ, क्या आप दोगे हमारा साथ? इस नदी के शोर से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्त को, इसलिए मैं खेल से भीगी हुई बाती तो है, भीगी हुई बाती तो है, भीगी हुई बाती तो है।